हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के उन टॉपिक्स को जहां से लास्ट 15 इयर्स के अंदर नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी केवल वही टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जहाँ से जो है वो नीट में क्वेश्चन आए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं जहाँ से बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप से हम इससे पहले वाले सभी चैप्टर करवा चुके हैं। आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी की वन शॉट देखनी है, यानी एनसीईआरटी से केवल वन शॉट करवाए हो जहाँ पे हर एक लाइन डिस्कस की गई हो, तो वहाँ पर आपको वो प्लेलिस्ट भी जो है वो चैनल पर मिल जाएगी, PYQ भी मिल जाएंगे आपको। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपको ये नोट जहाँ से हम करवा रहे हैं ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की टेबल डायग्राम सब कुछ, एनसीईआरटी की लाइन सब कुछ जो है वहाँ पे इंक्लूड की गई है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो सबकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है एनसीईआरटी का, उसमें मोस्टली जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जहां से क्वेश्चन पूछा गया होगा वहां पे रेड के अंदर हाइलाइटेड करके ईयर मेंशन होगा कि किस ईयर में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर बताया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे लोअर इनवर्ट्स हो गए, जैसे आपका स्पंज हो गया, सीलियन ट्रेटा, फ्लेटफॉर्म वगैरह हो गए, वहाँ पे जो ऑक्सीजन और CO2 जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंटायर बॉडी से जो एक्सचेंज हो जाती है। अर्थवॉर्म की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट क्यूटिकल होते हैं। इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स होती है। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये तीन टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। ब्रैंकियल होता है जहाँ पे गिल्स का यूज होता है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर जैसे गिल्स वगैरह यूज होंगे तो वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। जहाँ पे लंग्स यूज होंगे वहाँ पे वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस हो गए, टेरेस्ट्रियल के अंदर ये मिलता है, और गिल्स आपको कहाँ पे मिलता है, जो एक्वेटिक होते हैं जैसे एक्वेटिक अथ्रोपोडा, मोलस्का वगैरह, उनके अंदर हमें गिल्स मिलता है। अगर हम एमोंग वर्टिब्रेट्स फीसिस की बात करें तो यहाँ पे गिल्स ही यूज होता है। एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मेमल्स में लंग्स यूज होता है। एम्फीबियंस के अंदर जैसे फ्रॉग वगैरह हो गए, वो अपने रेस्पायर करते हैं थ्रू द मोस्ट स्किन, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये भी आप याद रख लेना कि उससे नहीं आया बट यहाँ पर अगर आने की संभावना है तो हमने बता दिया। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो ओपनिंग होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में नेजल चैम्बर के अंदर जाता है, वहाँ से कहाँ पे, फेरिंग्स के अंदर जाता है। फिर फेरिंग्स जो होती है वो कहाँ पे ओपन होती है, लेरिंग्स में। लेरिंग्स एक्चुअल में क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। फिर यहाँ पे एपिग्लोटिस होती है जो कि क्या होती है, आपकी कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जो कवर करती है किसको, ग्लोटिस को, ताकि यहाँ पे फूड वगैरह जो है वो लेरिंग्स के अंदर ना जाए। फिर उसके बाद में आपको पता है कि ट्रेकिया जाती है, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक चलती है। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेटा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवीजन जाता है सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो वो जाते हैं, फिर वहाँ पे टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। फिर लास्ट में क्या आते हैं, आपके एल्वियोलाई आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2013 में, बट उससे पहले देखते हैं एल्वियोलाई। अब हर एक जो टर्मिनल ब्रोंकाइल है वो कहाँ पे क्या जाता है, नंबर ऑफ थिन इररेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलर बैग लाइक एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, एल्वियोलाई बन जाती है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है एपिग्लोटिस का, लेरिंग्स का, ट्रेकिया का, फिर यहाँ पे आपका ब्रोंकस का दिया हुआ है, और फिर ये आपके एल्वियोलाई दी हुई है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है जो लंग्स के बाहर होती है। अब यहाँ पर देखिए, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई जो है उनको सबको मिलाकर बनता है लंग्स। यानी जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई का, उसी से मिलकर क्या बनता है, लंग्स बनता है। ये आपको याद रखना है। अब जो लंग्स होता है उसके बाहर में दो लेयर होती है, डबल लेयर, यहाँ पे प्लूरा उसको बोलते हैं। अब ये जो प्लूरा लेयर होती है इनके बीच में फ्लूड होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, एक आता है आपका कंडक्टिंग पार्ट और एक आता है आपका रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। यहाँ से आपका नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। अब कंडक्टिंग पार्ट किसको बोलते हैं, जो पार्ट यहाँ पे हम स्टार्ट होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से और टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स तक, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वहाँ तक का जो पार्ट होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। यानी वहाँ पर कोई भी CO2 O2 का बीच में एक्सचेंज नहीं होता है, जहाँ पे केवल हवा आ रही है जा रही है वो कंडक्टिंग पार्ट हो गया, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट हो गया।
जबकि जो एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स वगैरह है जहाँ पे एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट हो गया। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, यहीं से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। कंडक्टिंग पार्ट जो होती है वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो एल्वियोलाई तक आती है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, क्लियर इट फ्रॉम फॉरिजन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई करता है इसको और यहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर है उसके बराबर लाता है एयर को। एक्सचेंज पार्ट का क्या होता है, वहाँ पर साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, यानी एक्सचेंज पार्ट के अंदर एक्चुअल डिफ्यूजन होती है O2 एंड CO2 के बीच में। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। अब ब्रीदिंग के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इंस्पिरेशन जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आती है, और एक होता है आपका एक्सपिरेशन जहाँ पे जो अंदर की एयर है उसको रिलीज आउट किया जाता है बाहर। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होती कैसे, तो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो लंग्स वगैरह, पल्मोनरी कई वर्ड आए तो वो समझ लेना वो लंग्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंट्रा मतलब इनसाइड, तो यहाँ पर देखिए इंस्पिरेशन कब होती है, जब प्रेशर लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो लेस हो जाए बिटवीन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमोस्फेयर प्रेशर से कम हो जाए लंग्स में तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो वो एयर आ जाएगी, यानी बाहर से अंदर आ जाएगी। देर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। इन्होंने नहीं बोला कि लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, इन्होंने बोला विद रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर मान लीजिए एटमोस्फेयर का प्रेशर जो है वो 1 है और यहाँ पर जो लंग्स का प्रेशर है वो 0.9 है, तो 1 से इसके अकॉर्डिंग तो ये 0.1 का जो डिफरेंस हो गया ना, 0.1 नेगेटिव हो गया। तो इस टाइप से इन्होंने बताने की कोशिश की है। एक्सपिरेशन कब होती है, एक्सपिरेशन होती है जब इंट्रापल्मोनरी का प्रेशर हायर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो गैस चली जाएगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो होता है वो डायफ्राम और इसके साथ में लगने वाली जो स्पेशल मसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह, रिब्स वगैरह, वो इन सबको ग्रेडियंट बनाती है। मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर ये बनाने का काम इनका होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन की, इंस्पिरेशन होता कैसे, क्या कुछ होता है। देखिए ये इनिशिएट होता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले ये जो डायफ्राम दिखाई दे रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। अब यहाँ पे क्या होगी, आपकी वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गई इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अब ये याद रखना, ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है उसमें यहाँ पर इसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स। अब यहाँ पर ये जो होगा कॉन्ट्रेक्शन, उसकी वजह से जो रिब मसल्स है वो एक्सटर्नल ऐसे चली जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सो वेंट्रल। अब ये कौन सी होगी, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर जो है वो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगी, और इस तरह से ओवरऑल जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम जो इंक्रीज हो जाएगी। अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गई तो प्रेशर क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब आपको पता है कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज, देखिए आप लिखा है एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी इसके अंदर जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा हो गई, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया, विच फॉर्म द एयर टू द आउटसाइड मूव इन टू द लंग्स, और फिर बाहर से हवा जो वो अंदर आ जाएगी। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होगी। अब एक्सपिरेशन में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगी, वॉल्यूम को कम कर देंगे। यहाँ पे देखिए डायफ्राम वापस रिलैक्स जाएगा, रिब्स वगैरह जो है वो भी वापस जाएगी, तो यहाँ पर होगा क्या, प्रवेशनी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम कम होने लगेगी तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होने लगेगा, और ज़्यादा होने लगेगा इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मली जो है ऑन एन एवरेज है हेल्थी ह्यूमन के अंदर जो है वो 12 टू 16 टाइम जो है पर मिनट जो है वो ब्रीद होती है। अब ये जो जितनी भी वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम आई है, कितनी वॉल्यूम बाहर गई है, इसको मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। देखिए द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग ए स्पायरोमीटर विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। अब यहाँ पर कितनी वॉल्यूम आई है वो मिलीलीटर में मेजर की जाती है। अब ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सब देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 13 में क्वेश्चन आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है। इसके अलावा अगर आप नीचे भी जाओगे तो भी यहाँ पर देखिए कितनी बार हुआ है, AIPMT 2008 में, 9 में, 10 में, 19 में, 20 में, यानी आपका 17, 18, 19, 20 फोर ईयर में कंटिन्यू जो है ये यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक एक करके बात करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम होगी उसको मिलीलीटर में मेजर करेंगे, तो सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, या तो हम इंस्पिरेशन मान लें या फिर एक्सपिरेशन मान लें ड्यूरिंग ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी एक बार में आपने हवा कितनी अंदर ली,
जब आप सांस लेते हो तो एक बार हवा को अंदर लेके जाते हो तो वो टाइडल वॉल्यूम है, मतलब वो लगभग 500 मिलीलीटर के आसपास आप अंदर लेके जा रहे हो, या फिर वो बाहर निकाल रहे हो तो भी वो कितनी है, 500 मिलीलीटर के आसपास है। इन्होंने और का मतलब है या तो इंस्पिरेशन मान लो या एक्सपिरेशन मान लो, दोनों एक ही बात है, बट दोनों को प्लस नहीं करना है कि इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन नहीं करना है। टाइडल वॉल्यूम होती है जो एक बार में या तो इनसाइड ली गई है या वो बाहर छोड़ी गई है, उसको टाइडल वॉल्यूम है। दोनों प्लस मत कर देना कि इंस्पायर इतनी होगी एक्सपायर इतनी होगी, दोनों प्लस करके ये टाइडल वॉल्यूम कहलाती है, नहीं होगा। ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर या फिर एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 टू 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट हो जाता है, क्योंकि देखिए एक बार में 500 लेते हैं तो 12 into 6, 12 से लेकर 16 था, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतना आ जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन, यानी एक बार आप नॉर्मल सांस लेकर हवा ले जा चुके हो, अब कई बार होता है ना आपको बोला जाता है लंबी सांस लीजिए, थोड़ा सा और जोर लगा के सांस लीजिए, तो और कितनी एयर आप वापस से ले जा सकते हो, कितनी कैपेसिटी और है कि आप और अंदर ले जा सकते हो हवा को, तो वो कहलाती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो 2500 मिलीलीटर से लेकर 1300 मिलीलीटर तक होती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ना यही तो याद रखना है मेन कि ये कितनी है, ये 500 मिलीलीटर, ये 2500 से 3300 है, ये याद रखना है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हो गया सेम वो हो गया कि एक आपने बाहर नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया उसके बाद में आप और कितनी ज़्यादा कर सकते हो। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ये होता है 1000 से लेकर 1100 मिलीलीटर तक। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर रह जाती है, चाहे आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया उसके बाद में भी जो लंग्स में रह जाएगी वो 1100 टू 1200 मिलीलीटर होती है, याद रखना है, क्लियर है। अब देखिए आगे, By adding up a few respiratory volume described above, one can describe when ये pulmonary capacity, अब ये pulmonary capacity क्या होती है, pulmonary capacity अभी आपको समझ में आएगा, यानी capacity हो गई अलग अलग, वो जो पहले चार पढ़ी है बस वो याद रखिए, उनको प्लस माइनस करना है। देखो सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि हमने एक बार तो नॉर्मल लिया, नॉर्मल के मतलब टाइडल वॉल्यूम लिया, और उसके बाद में फोर्सफुल और ज़्यादा वो हमने हवा लिए, तो वो तो टोटल इंस्पिरेटर ना हम उतनी हवा को अंदर ले जा सकते हैं, तो वो हो गया का टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पेन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आती है, यानी टी वी प्लस आई आर वी। तो एक्सपिरेटरी क्या हो गई, सिंपल है, टाइडल वॉल्यूम हम बाहर निकाल सकते हैं ना एक बार में, तो टाइडल वॉल्यूम तो निकाली हमने नॉर्मल करके, और उसके बाद में जो फोर्सफुल निकाल सकते थे वो भी निकाली, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ये फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक बार आपने बाहर निकाल दिया उसके बाद में भी लंग्स में क्या रहेगा, तो आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में तब भी रह जाता है। नॉर्मल अगर सांस लेते हो तो लंग्स में उतनी एयर रह जाती है ना, क्योंकि अगर आप और जोर लगाओगे तो आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको बाहर निकाल दोगे, बट रेजिडुअल वॉल्यूम को तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो नॉर्मल करने के बाद में ये फंक्शनल रहती है, यानी ये तो हमें रहेगी अगर हम फोर्सिबल बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी में केवल रेजिडुअल वॉल्यूम मत मानो, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो तो हम इंक्लूड ही नहीं करते ना, वो तो लंग्स में रहेगी रहेगी, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, बाहर निकालने के बाद में टोटल जो लंग्स ले सकते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो ऑलरेडी थी, अब उसके बाद में कितनी ले सकते हैं, जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी वो ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हैं, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर की जो कि हम ब्रीद आउट या फिर ब्रीद इन कर सकते हैं फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद में, वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, जो पहली वाली तीनों थी, पहली चारों थी, उनको ऐड कर दो, तो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, या फिर इसके अंदर हमने वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम मान लो, इन दोनों को बोल दो तो वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है, क्लियर हो गया। ओके, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर होता है क्या, जो O2 और CO2 है इनके बीच में सिंपल डिफ्यूजन होता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हमें ये पता है कि जो हम प्रेशर कंट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल गैस का, उसको मेजर करते हैं पार्शियल प्रेशर के थ्रू, यानी टोटल जो कितनी भी है उसके अंदर अगर सिंगल का निकालना है तो वो पार्शियल प्रेशर के अंदर हम उसको लिखते हैं। जैसे PO2 जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, PCO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल, ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि दो बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज यहाँ पर कैसे आता है, रेस्पिरेटरी गैस आपका ऑक्सीजन और CO2, एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे कितना होता है इसका 159, ये देखिए पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो एटमॉस्फेयर एयर के अंदर होता है 159,
एनवीलाई के अंदर कितना हो गया 104, मतलब बाहर से कम हो गया। बट यहाँ पर ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कितना है 40 होता है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसके अंदर कितना होता है 95 होता है, टिश्यू के अंदर कितना होता है 40 होता है। CO2 की बात करें तो एटमोस्फेरिक एयर के अंदर कितना होता है 0.3 होता है, एल्वेलाई के अंदर कितना होता है 40 होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसके अंदर कितना होता है 45 होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है 40 होता है, टिश्यू के अंदर कितना होता है 45 होता है। तो ये आपको याद रखना है डाटा कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। यहाँ पर इस टाइप से पूछा जा सकता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो एल्वेलाई में ज़्यादा है या एटमोस्फेरिक एयर में ज़्यादा है, या फिर जो एल्वेलाई में ज़्यादा है या डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, एल्वेलाई में ज़्यादा है या ऑक्सीनेटेड ब्लड में ज़्यादा है। तो इस टाइप का कंपेयर ही करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं पूछी जा सकती। तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है। फिर यहां पर हम बात करते हैं जो हमारा एक्सचेंज पार्ट है। अब यहां पर देखिए, जो यहां पर एल्वियोलाई है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एल्वियोलाई पूरा बनाया हुआ डायग्राम, ये डायग्राम भी आपका AIPMT 2011 में आ चुका है, आपको याद रखना है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर, यहां पे जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो थ्री लेयर होती है, एक तो एल्वियोलाई वाली हो गई, एक ये जो हमारी कैपिलरीज आ रही है उसकी लेयर होगी, दो तो यही होगी, और इनके बीच में जो जगह होगी उसको बेसमेंट सबस्टांस बोलते हैं, वो होगी। तो इस टाइप से तीन लेयर होती है। देखो पहली होती है द थिन स्क्वेमस एपिथिलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई वाली स्क्वेमस एपिथिलियम होगी। एंडोथिलियम ऑफ एल्वियुलर कैपिलरीज, ये जो एल्वियुलर कैपिलरीज आ रही है इसका एंडोथिलियम यानी इनसाइड जो हमारी एल्वियोलाई की तरफ है वो वाली होगी। और फिर हो गया बेसमेंट सब्सटेंस, यानी इन दोनों के बीच में वाला ये वाला बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। अब बेसमेंट सब्सटेंस किससे बनता है, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथिलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथिलियल सेल ऑफ द कैपिलरीज, जो इन दोनों के बीच में होता है उसको बोलते हैं। अब इनकी जो टोटल थिकनेस होती है वो लेस देन ए मिलीमीटर होती है, एक मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है तीनों लेयर को मिलाकर। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्योंकि यहां से 4 times क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो गया। O2 और CO2 की बात करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो 97% जो ऑक्सीजन होती है वो RBC रेड ब्लड सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, बाकी जो 3% रह गई वो आपकी ट्रांसपोर्ट की जाती है प्लाज्मा के थ्रू वहाँ पे डिजोल्व होके। फिर बात करती है CO2 की, तो CO2 में 20-25% जो होती है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, जबकि जो 70% होती है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब भी बच गई है 7% के आसपास लगभग, वो आपकी प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व होके जो CO2 है वो जाती है। क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं एक एक अलग अलग गैस का। सबसे पहले ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ग्राफ हमें मिलता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में जो है वो बाइंड करता है आपका क्या, ऑक्सीजन, और एक हीमोग्लोबिन के साथ में मैक्सिमम 4 molecule ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, ये भी आपको पता है। अब देखिए, जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है वो प्राइमरी रिलेट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है कितना नहीं है उस पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट डालेगा। इसके अलावा 3 factor और भी हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से याद रखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर। ये 3 अलग factor हैं, ये फैक्टर भी जो हैं वो आपके इफेक्ट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन की बाइंडिंग को। अब इनकी बाइंडिंग कैसी होगी कैसी नहीं होगी, वहाँ पर एक ग्राफ है और यहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और लास्ट 3 year में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए 2021-22, क्लियर हो गया। ओके, बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। देखिए, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, किस किस के बीच में ये परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका ऑक्सीजन के बीच में ये ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये हाईली यूजफुल है क्या स्टडी करने के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस कंसंट्रेशन और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह जो है, जहाँ पे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग के फैक्टर जो भी है उनको स्टडी करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एल्वियोलाई में क्या कुछ होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया जाता है, और टिश्यू में क्या कुछ होता है जहाँ पे उसको डिसोसिएट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, जो हमने टेबल से भी देखा था, जबकि बाकी सारी चीज़ें लो। मान लो अब आप, लो PCO2 होता है, लो H+ कंसंट्रेशन होती है, लो टेम्परेचर होता है, और ये सभी फैक्टर फेवरेबल हैं किसको बनाने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों एक साथ आने के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, बाकी सबका लो होना चाहिए, चाहे वो H+ कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है। अब टिश्यू में बिल्कुल इसका रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर अगर ये बन रहा है तो इसको बिगाड़ना है तो उसका सब रिवर्स कर दीजिए। इन टिश्यू में क्या हो रहा है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हाई CO2 हो गया, हाई H+ कंसंट्रेशन हो गया, हाइयर टेम्परेचर हो गया, सब कुछ हाई हाई हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन है यहाँ पर डिसोसिएट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी। इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है इन द लंग सरफेस एंड डिसोसिएट करती है टिश्यू में। अब यहाँ पर जो 100 milliliter ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
100 मिलीलीटर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन को डिलीवर कर पाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इतने तीन चार फैक्टर नहीं होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि CO2 जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 20-25% जाता है, जिसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये जो बाइंडिंग है वो रिलेट करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसा है उसके हिसाब से बाइंडिंग होगा। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो मेजर फैक्टर होता है इसको अफेक्ट करने के लिए, ये चीज आपको पता है। अब टिश्यू के अंदर वहां पे लो PO2 होता है, हाई PCO2 होता है टिश्यू के अंदर, तो वहां पर जो है वो कार्ब हेमोग्लोबिन बन जाता है। जबकि एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है CO2 का PO2 जो है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होता है और ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो वहां पर वो डिसोसिएट हो जाता है। अब RBC जो है वो कंटेन ए वैरायटी ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। RBC के पास में हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इन द प्लाज्मा। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो आपका RBC के साथ होता है, इसके अलावा ये प्लाज्मा में भी होता है, यहाँ से NEET 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमने बात की थी कि ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में चलता है, तो ये बाइकार्बोनेट फॉर्म हो गया, तो यह आ गया आपका CO2 और H2O। अब कार्बोनिक हाइड्रेज के एंजाइम से इसको यहाँ पर इस टाइप से बनाया जाता है, फिर कार्बोनिक हाइड्रेज जो है उसको बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बना देता है। अब बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ पे H+ आयन बन रहे हैं, कहाँ बन रही है, टिश्यू में बन रहे हैं। तो अब आप ये समझ लो कि टिश्यू में H+ आयन इसीलिए ज़्यादा थी, टेम्परेचर भी इसीलिए ज़्यादा था, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो भी ज़्यादा था, जबकि ऑक्सीजन जो थी वो लो थी टिश्यू के अंदर। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, क्लियर हो गया। और यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, जब एल्यूलाई में जाएंगे तो ये चीज़ वापस ऐसे हो जाएगी, ऐसे तो होगी टिश्यू में और ये ऐसे हो जाएगी एल्वियोलाई पे, ये चीज़ क्लियर होगी। इसीलिए यहाँ पर ये बोला कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एवरेज 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ले जा रहा था, बट 100 मिलीलीटर ऑफ जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 4 मिलीलीटर CO2 को ले जा रहा है एल्वियोलाई के पास में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का। अब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, उस सबसे जो है वो न्यूरल सिस्टम के द्वारा ये सारा चीज़ रेगुलेट की जाती है, मेंटेन की जाती है। अब इन्होंने बोला स्पेशल सेंटर होता है मेडुला रीजन के अंदर, जहाँ पे उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस सबके रेगुलेशन के लिए। एक अनदर जो है वो सेंटर होता है इन द पोन्स रीजन में, पहले वाला था मेडुला के अंदर रिदम सेंटर, बट पोन्स रीजन में एक और रीजन होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर, और ये क्या करता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी होता है, कहाँ पर होता है, ये एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर के बिल्कुल पास में, और ये हाईली सेंसिटिव होता है CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन आयन एंड CO2 के लिए काफ़ी जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखिए रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। इसके अलावा जो आर्टिक आर्च है या फिर कैरोटिड आर्टरी है उस पर कुछ रिसेप्टर होते हैं, वो भी जो CO2 और H+ कंसंट्रेशन है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ज़्यादा है या कम है, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर, और वहाँ पे भी ये रिदम सेंटर के पास में असेसरी सिग्नल पहुँचा सकते हैं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, केवल CO2 और H+ कंसंट्रेशन का रोल जो है वो ज़्यादा है अगर वहाँ पर इसको रेगुलेट करना है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं डिसऑर्डर, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, तो यहाँ पे देखिए 15 से 19 तक तो कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केवल इतना का ये पैराग्राफ है। अब आप समझिए नीट में कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, इससे तो आपको पता चलता है ना कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस पे ज़्यादा हमें स्टडी करके ही जाना चाहिए, तो अब आपको इस यहाँ से पता चल चुका होगा। ओके, तो इतने से 6 टाइम क्वेश्चन आ रहा है तो इंपॉर्टेंट हो गया। अस्थमा क्या होता है, सबसे पहले अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब अस्थमा के बारे में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर वहां पर भी दिया हुआ है, तो अस्थमा जो होता है वहां पर क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है वहां पर क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी,
नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? आपका क्रोनिक डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्या होता है, जो एल्वियुलर वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसका सबसे मेजर कोज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वहाँ पर जो एल्वियुलर वॉल है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए अस्थमा और एम्फाइसीमा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। अब ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटर मतलब कहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन होगा, कोई वर्क कर रहे होंगे वहाँ पे कोई डिसऑर्डर हो रहा होगा, वही चीज़ें। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी जहाँ पर जो है आपका ग्राइंडिंग हो रहा है, स्टोन ब्रेकिंग हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ पे जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का वो फुल्ली कोप नहीं कर पाता है। मतलब उस चीज़ के साथ में जो है वो अच्छे से उसको अफेक्ट नहीं दे पाता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है हमारी बॉडी नेचुरली। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर हो गया तो उससे क्या होगा, गिव राइज टू द इन्फ्लेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगी लंग्स में और लंग्स में फिर क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस होने लगेगी। अब फाइब्रोसिस क्या होता है, प्रोलाइफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, सीरियस लंग डैमेज हो सकता है इंडस्ट्रीज के अंदर। सिलिकोसिस एक डिजीज है, वो भी इसका एग्जांपल है, किसका, ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। और यहाँ पर अगर कोई जो है वो वर्कर है जो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है तो उसको जो है वो प्रोटेक्टिव मास्क जो है वो जरूर पहनना चाहिए। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अभी आपको ये क्वेश्चन वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे 2019 ओडिशा में, 20 में, 2021 वगैरह में, 2022 में, यहाँ पर इस टाइप से पूछे गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये टेबल में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, वो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई थी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।